चलिए बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जयपुर की, जहां पर प्रदेश में 33 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जयपुर में 28 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गुरुवार को प्रदेश में कुल 80 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 460 के पार चली गई है। जयपुर में गुरुवार को कुल 39 कोरोना के केस आए हैं। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 168 के पार चली गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और प्रदेश की बात करें तो 33 अभी नए और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। और जयपुर के लिए चिंता की बात, क्योंकि अभी तक 168 मामले हो चुके हैं। गुरुवार को प्रदेश में कुल 80 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय, एक ही दिन में 80 मामले प्रदेश में आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। हालांकि चिकित्सा विभाग पहुंचते थे, लगातार काम कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है यहां पर पॉजिटिव मरीजों की, और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखा जाए तो 80 मामले आज सामने आए, रिकॉर्ड। राजस्थान में 80 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। चिंता का विषय है सभी के लिए, सब मिलजुल कर प्रयास जरूर कर रहे हैं। चलिए हमारे संवाददाता लोकेश होला इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, 80 मामले आए हैं, शायद मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है ये। बिल्कुल, आज कुल कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो माना जा रहा है। वही बात करें तो जयपुर की, जयपुर में भी आज जो 39 कोरोना पॉजिटिव वो सामने आए हैं, जो भी एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। और इनमें विशेष तौर से रामगंज से बाहर के क्षेत्र के भी बड़ी संख्या में जो कोरोना पॉजिटिव वो सामने आए, जिसमें बात करें तो अगर जयपुर के जो नीलग्रह और पुरानी बस्ती के 12 जो कोरोना पॉजिटिव वो सामने आए हैं। वही पतंग बाजार के 7 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने, जो जयपुर की बात कर रहे हैं अभी, और सुभाष चौक के यहाँ 2 कोरोना पॉजिटिव मिले। रामगंज से हालांकि आज 4 कोरोना पॉजिटिव अभी नए आए हैं, और वही 8 जो दिन में कोरोना पॉजिटिव आए थे। इस तरह से कुल रामगंज से आज 12 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। इसी तरह मानस चौक से 1 और सुमरों का जो मोहला, वहां से 1 मामला सामने। इसी के साथ साथ जो राजा पार्क से भी 1 कोरोना का पॉजिटिव मामला वो सामने आया है। मैरी का नाका और घाट गेट से भी 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वही 1 समुदाय विशेष पर कोरोना पॉजिटिव मिला। इसी तरह बात करें चौक और झालावाड़ में भी 7-7 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। वही जोधपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद वहां पर भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या 34 हो चुकी है, वो भी बड़ी संख्या मानी जा रही है। वही जैसलमेर में आज 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वही कोटा में 2, बांसवाड़ा में 2, बाड़मेर में 1 और भीलवाड़ा में 1 कोरोना पॉजिटिव आज सामने आए। तो ये 4 दिन बाद में कोरोना का भीलवाड़ा में पहला ये मामला सामने आए। और इस तरह भीलवाड़ा में 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज है। इस तरह से बात करें तो अब तक कुल जो प्रदेश में 463 कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो सामने आ चुके हैं, जो बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। वही ईरान से आज 6 कोरोना पॉजिटिव लाए गए, जो ईरान के इससे लाए गए जो भारतीय, उनमें से 6 कोरोना पॉजिटिव जी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया लोकेश आपका। तो हमारे संवाददाता लोकेश ओला में ताजा अपडेट दे रहे थे कि ये जो मामले हैं कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और 80 मामले आए हैं आज प्रदेश में, जो कि अब तक अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मामले हैं। और जयपुर में की बात करें तो ये आंकड़ा अब तक 168 तक पहुंच चुका है, जो कि कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय ज़रूर है।